स्टार्टर। सभी लोगों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान तकदीर, केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स। आज सभी लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो पिछले 25 साल से जो लोग भुगत रहे हैं, जो जुल्म सह रहे हैं, जो हालात अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी की आफत आ रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, एससीएसटी के ऊपर, हिंदू मुस्लिम को झगड़ाने में व्यस्त रह रहे हैं, यहां तक अदानी और अंबानी को खुश करने में लगे हैं, किसी मजदूर को खुश नहीं कर रहे हैं, किसी किसान को खुश नहीं कर रहे हैं, जो इस देश का भविष्य है, कार्मिक विभाग, जो विद्यार्थी हैं, उनको बढ़ाने के चक्कर में उनको उल्टा गिरा रहे हैं। और जहां तक अभी हम बता रहे हैं कि जो अभी नए उम्मीदवार एजुकेटेड डॉक्टर मानते शर्मा कड़ाड़ी साहब अभ्यर्थी के रूप में आए हैं गोकाक में, आप सभी लोग मानते शर्मा कड़ाड़ी साहब को आशीर्वाद दे ही रहे हैं और वोट भी देंगे। आप आशीर्वाद वोट इतना ही नहीं दे रहे हैं, आने वाला गोकाक का उज्जवल भविष्य आप सुधार रहे हैं, आप अपने आप को सुधार रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को गोकाक में नहीं जिता रहे हैं, मानते शर्मा कड़ाड़ी को नहीं जिता रहे हैं, आप मेरे बोलने से इमरान तकदीर कहने पर कांग्रेस को डाल रहे हैं, आप खुद अपने बच्चों को जिता रहे हैं, अपने गुजरे हुए माँ बाप जो इंतकाल कर गए हैं, स्वर्गवास हुए हैं, जो कोविड में मर गए हैं, फ्लड में मर गए हैं, जो तकलीफ से हैं, उनके आत्मा को आप शांति प्राप्त कराने के काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जितने भी हमारे लिंगायत समुदाय है, मृत्युंजय स्वामी जो शांति प्राप्त कराने के काम कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, जितने भी हमारे लिंगायत समुदाय है, मृत्युंजय स्वामी जो टू मिसलती लिंगायत समुदाय जो अंश पे बेंगलुरु में बैठे थे, उन्होंने खुद मुझे बुलाकर आशीर्वाद दिया था, ऐनो माड़प्पा लिंगायत समुदाय अकट आगे रो नीन जो नाम समुदाय नाम इतवे नम पाले नहीं बे निम पाले वीर बे विश्वगुरु बसवन सदेश नमर ना निम्बर बेरे ऐनू ऐसा बोले थे। आज मैं सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जितने भी 45 मस्जिदें हैं जो गोकाकपुर में मस्जिदें हैं, जितने भी मुस्लिम के संघ संस्थाएं हैं, वो जो लिंगायत की संस्था हो, जो ऊपर समाज के हो, मराठा हो, एससी एसटी हो, सब लोगों को जात पात छोड़कर इकट्ठा गोका खोकर मानते शर्मा कड़ाड़ी साहब को वोट देना है और गोका के उज्ज्वल भविष्य में आपका साथ देना है। जय कांग्रेस, जय गोका, जय कर्नाटक।